जी तीन लड़के रहते ड्राइवर इलाके, जी तो वो गए और एक पोलोथीन में मिठाई का डिब्बा ले गए, उसी में वो सलाह ले गए चक्कू और पिस्टन और फगुआ रंग का कुर्ता पहन गए और जाके उनके पैर छुए, उन्होंने बैठा रहा, नाश्ता कराया, चाय पिलाई, जो बना था उनको खिलाया पिलाया। उसके बाद जो हमारी बहू थी वो अंदर सो गई, लेट गई, लोग बात करने लगे अपने कार्यालय में, बाहर अंदर कमरा था वहाँ लेट गई। एक लड़के को जो बाहर से आया अभी, उसको पैसे दिया, कहो जा तुम मसाला ले आओ। और दो लड़के जो थे, एक हमारा पोता और एक ड्राइवर, वो नीचे नहाने के लिए चला आया। इतने में दो थे, ये अकेले थे, दोनों ने पकड़ के गर्दन काट दी। हमारे नॉलेज में यही बात है, हमको यही बहू ने बताया जी। तो गोली भी चलाई थी, लेके आया तो उसने देखा तो बहुत जोर से चिल्लाया जी, गोली की आवाज किसी ने नहीं सुनी। योगी जलता था मेरे बेटे से, योगी जलता था पार्टी से, योगी जलता था। योगी ने बहुत कुछ किया नेताजी के साथ, गुंडा एक्ट लगवाया, जेल भिजवाया, योगी बहुत कुछ किया। योगी जलता था, योगी ने मरवा दिया, बस अब हम कुछ बोलेंगे नहीं आगे, अब हमसे पूछना भी मत कुछ। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं करिए कुसुम जी, आपकी संवेदनाएं हम समझते हैं, पर ऐसी बात ना करिए जिससे इस देश में आपस में तनाव पैदा हो दो मजहब के लोगों के बीच में। हम हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करते हैं, आप हम जानते हैं आप परेशान हैं, हम जानते हैं आप परेशान हैं कुसुम जी, लेकिन हमको हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं कराना है, हमको इस देश को साथ लेकर चलना है। बिल्कुल, कमलेश जी के साथ जो हुआ गलत हुआ, उनको उन्होंने जो कुछ कहा उनको कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होती तो बेहतर रहता, बजाय इसके कि इस तरीके से कोई सरेआम घुसकर उनकी हत्या कर दे। एक आखिर में कुसुम जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बड़ा इल्जाम लगा रही हैं मुख्यमंत्री पर कि आप जलते पहले थे। हमारा एक सवाल आप पूछिए जी, बोलिए। नहीं, एक सवाल मेरा पहले सुनिए जी, पहले मेरा एक सवाल सुनिए जी, सुनिए। हिंदू मुसलमान का शब्द आपने उठाया, हमने नहीं उठाया, आपने उठाया तो हमको गुमराह कर रहे हो, जब हम कहते हैं कुछ नहीं, अब तुमको जवाब देंगे जी। आपने उठाया, हमने नहीं उठाया, और फिर आपने क्या कहा कि आप हिंदू मुसलमान करके दंगा कराना चाहते नहीं, क्या मैंने चाहते हो आप लोग? मैंने ये नहीं कहा, पागल समझ रखा हमको देखो। कुसुम जी आपकी भावना, आप कहते हो कि हिंदू मुसलमान पहले हुआ था और फिर हमसे कहते हो हिंदू मुसलमान करके दंगा कराना चाहती हो। एक चीज बताइए, आपने एक बड़ा इल्जाम लगाया माननीय कुसुम जी कि तो योगी जी उनसे जलते थे, पर योगी जी तो खुद हिंदू सभी के नेता है, योगी जी क्यों चलते रहे होंगे कमलेश से? पहले आप पूछते हैं, फिर कचहरे में खड़ा कर देते हैं लाके, हमको खेलना बंद कर दो। योगी जी क्यों चलते थे कमलेश जी? खेलना बंद कर दो, आपने ऐसा क्यों कहा? तुम लोगों से बहुत सीखे गए हैं, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, जनता के खिलाफ बोल सकते हो तो बोलिए खुशी से, और किसने मना किया बोलिए, सरकार के खिलाफ बोलोगे चैनल बंद हो जाएगा। लीजिए भैया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के डीजीपी से तो हम लगातार सवाल कर रहे हैं, और हम इसीलिए आपको मंच पर लाइव बिठा के ये जानना चाह रहे हैं आपसे। मेरे ख्याल से बात नहीं करना चाह रही है कुसुम तिवारी अब, लेकिन